हाय फ्रेंड्स, मैं आज लाया हूँ कि चिल्लर सिस्टम कैसे काम करता है बीएमएस में। तो आप देख पा रहे हैं चिल्लर वन एंड चिल्लर टू है। यह है चिल्लर वन का सेटअप पॉइंट जो दिया गया है। यह चिल्लर वन है जो क्लोज है अभी, और चिल्लर टू जो है वो ओपन है अभी। इसका वो बल्ब देख सकते हैं जो इनलेट और आउटलेट का बल्ब है। यह है पंप हमारा जो है चिल्लर पंप वन एंड चिल्लर पंप टू एंड पंप थ्री। ये काम कैसे करता है मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। 1 2 3। अब ये जो है ये है प्रेशराइजेशन पंप, और ये जो है ये चिल्लर पंप वन एंड टू। ओके, तो ये है बाईपास वाल्व। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसको बाईपास किया जाता है। ये है प्रेशराइजेशन पंप, ये प्रेशर देने के लिए। ये इनलेट है, ओके, और ये आउटलेट है जो हमारा सिस्टम काम करता है FCU। तो ये जो है ये वेल्व है, ओके, और यहाँ पे भी एक वेल्व लगाया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है जो BMS में शो करता है कि आपका चिल्लर काम कर रहा है कि नहीं। वन एंड टू, अगर रेड सिग्नल है तो बंद है, ग्रीन सिग्नल है तो ऑन है। तो अभी हमारा चिल्लर जो वन जो है वो अभी ख़राब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सेट पॉइंट है 8.5, और उसका है ज़्यादा है वन का, क्योंकि वो बंद है। और ये है पंप वन, पंप टू, पंप थ्री। पंप वन अगर बंद रहेगा तो 2 3 चालू रहेगा, ओके, मतलब 2 हमेशा चालू रहता है। सो ये